बाबा रामदेव जो अपनी बातों से सबका मन मोह लेते हैं और विवादों में पड़ जाते हैं। बाबा रामदेव 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आए क्योंकि उनको लग रहा था कि बीजेपी पूर्ण रूप से हारेगी, लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से बल्कि प्रचंड बहुमत से आई है तो उन्होंने रुख बदल कर अपना यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि 23 मई सुनहरे अक्षरों से भारत के नाम से बनानी चाहिए और मोदी सरकार के नाम पर बना देनी चाहिए 23 मई। लेकिन चुनाव खत्म हुए तो रामदेव ने भी विवादित बयान दे डाला और अब बाबा के बयान पर ओबीसी ने भी टिप्पणी की। टिप्पणी में पीएम नरेंद्र मोदी का जिक्र भी है। दरअसल रामदेव ने रविवार को देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने की पैरवी की थी। हरिद्वार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हुए बाबा ने कहा था कि जिस तरीके से देश की जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिए भारत तैयार नहीं है और किसी भी सूरत में अगले 50 सालों में भारत की आबादी 150 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये कहना था रामदेव का। और बाबा रामदेव ने यहाँ तक कह डाला कि ये तभी संभव होगा जब सरकार ऐसा नियम बनाती है जिसका भी तीसरा बच्चा होगा उसे वोट करने से वंचित कर दिया जाए। इसके अलावा 3 बच्चे वालों के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगे, साथ ही में सभी तरह के सरकारी लाभ से भी उन्हें वंचित रखें। बाबा की इस तीखी टिप्पणी के बाद ओबीसी ने अपने ट्विट से अकाउंट से कहा कि लोगों को असंवैधानिक बातें कहने से रोकने के लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन रामदेव के विचारों को क्यों बेवजह तवज्जो दी जाती है। वो अपने पेट से कुछ कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि नरेंद्र मोदी अपना वोट देने का अधिकार सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि वह तीसरी संतान है अपनी माँ की। हम आपको बता दें कि दरअसल नरेंद्र मोदी दामोदर राव मोदी और हीरा बहन की तीसरी संतान है। पीएम मोदी का जन्म गुजरात के वडनगर में 17 सितंबर 1950 को हुआ था, इसलिए ओवैसी को बाबा की बयान के बाद मौका मिल गया और मौके को हाथों हाथ लपका और रामदेव की ट्विटर अकाउंट से ही वोट लगा दी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।